प्रधानमंत्री के मुजरे वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम के इस बयान पर प्रियंका गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीने तक ने पलटवार किया। क्या है ये पूरी खबर, इस विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव खत्म होते होते सियासत वाला मुजरा यूं खटाखट हर मुद्दे को पीछे छोड़ बयानों की पहली पसंद बन जाएगा, ये किसने सोचा था। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद तुष्टीकरण वाली राजनीति पर बहस छिड़ जाएगी, ये बात तो पक्की थी। क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो साफ कह दिया था कि बंगाल में ममता के मुखौटे के पीछे 41 मुस्लिम वर्गों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, और वो भी नियमों को ताक पर रख कर दिया गया है। मोदी बिहार पहुंचे तो जंगल राज पर वार करते हुए तुष्टीकरण पर भी बरस पड़े और ताल ठोक कर कह दिया कि वोट बैंक के आगे जिसे मुजरा करना है करे, मेरे रहते तो SC ST और OBC का हक कोई नहीं चुरा सकता। पहले बिहार का आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर सियासत के बोल आज सबसे ज्यादा थिरक रहे हैं। अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। विपक्ष अब प्रधानमंत्री के इस मुजरे वाले बयान पर सबसे ज्यादा हमलावर है। प्रियंका गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीने तक पीएम के इस बयान को महिलाओं का अपमान बता रही हैं। किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजरा करना है मुजरा करना है। ऐसी बातें मैं नहीं समझता एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं। बिहार में भाषण दिए हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहन और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं, उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब आज उत्तर प्रदेश के घोसी पहुंचे तो लगा जैसे सियासत के आंगन में बयानों के मुजरे की उनको कोई खबर ही नहीं। तभी घोसी में पीएम ने जनता के सामने ये खुलासा भी कर दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में तुष्टीकरण का बीज बो रही थी। लोकसभा चुनाव को खत्म होने में अब महज एक चरण का चुनाव बाकी है। 4 जून को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन तब तक एक बात तो पक्की है कि सियासत के गलियारे में मुजरे के साथ साथ तुष्टीकरण वाला रार भी सबसे ज्यादा असरदार होने वाला है। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को पिछड़ों को आरक्षण मिला है वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। तूफानी चक्रवात रेमल तबाही मचाने आ रहा है और ऐसी संभावना है कि वो पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लोगों को सतर्क कर दिया गया है, मछुआरों को समुद्र ने से निकाल लिया गया है। और लेकिन इस तूफान का असर बंगाल तक ही नहीं, भारत और बांग्लादेश के इलाकों को भी प्रभावित करेगा। रेमल तूफान तबाही मचाने आ रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां समुद्र की ऊंची लहरें और तेज हवाएं बहने वाली है। बारिश भी कई प्रदेशों में अपना कहर बरपाने वाले हैं। चक्रवात रेमल अब भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है।
और इसके आज रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच पहुंचने की संभावना है। उधर रेमल के अलर्ट के बीच कोलकाता समेत कई शहरों में बारिश शुरू हो गई है। रेमल मानसून से पहले के मौसम में बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात है। अनुमान जताया गया है कि इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यही नहीं, बंगाल के साथ साथ उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भी रविवार को अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी 27 और 28 मई को अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। तूफान के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचने पर ऊंची लहरों के कारण निचले इलाकों में पानी भर जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। कोस्ट बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपुरा का बीच में क्रॉस करेगा, क्लोज टू साउथ वेस्ट मंगोला। साउथ वेस्ट मंगोला मीन्स बांग्लादेश में है, मंगोला के है, उसका साउथ वेस्ट नियर साउथ वेस्ट ऑफ मंगोला घुसने क्रॉस करने वाला है आज मिडनाइट तक। आज 26th में मिडनाइट तक क्रॉस करने का संभावना है। इसका जो मैक्सिमम जो सस्टेन विंड होगा उस क्रॉस करने का टाइम वो है 110 टू 120 किलोमीटर पर आवर, गास्टिंग टू 135 किलोमीटर। 21 घंटों के लिए अब उड़ान बंद होगी और ट्रेनें भी कैंसिल रहेंगी। इस तूफान को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर आज दोपहर से 21 घंटे के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कुल 394 उड़ानें कोलकाता हवाई अड्डे से संचालित नहीं होंगी। चक्रवात तूफान के चलते कई ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक हवाएं और बारिश तेज होंगी, लेकिन अभी हाल में आए एक तूफान अम्फान जितनी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। इसके लिए समुद्र से मछुआरों को निकाल लिया गया है और तटों पर रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इतनी विंड स्पीड में जो कोस्टल एरिया में, जो खासकर साउथ बंगाल में कोस्टल एरियाज में जो कच्चा हटमेंट्स हैं, कच्चे एम्बैंकमेंट्स हैं, तो एम्बैंकमेंट जो है वो स्टॉर्म सर्ज के कारण जो है ब्रीच हो सकते हैं, पानी भर सकता लो लाइंग एरिया में, और जो कच्चा हटमेंट्स हैं और जो हमारे कैटल्स हैं उनको इफेक्ट हो सकता है। कोलकाता से हमारी एक टीम जो है यहाँ पर हसनाबाद में डिप्लॉयड है, और जो आने वाला जो साइक्लोन है उससे जो भी खतरा होगा उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूर्ण रूप से तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में 26 मई और 27 मई को भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 27 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। 27 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों में भी बारिश हो सकती है। अब इस खतरे को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और हाई लेवल मीटिंग भी की गई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस खतरे से निपटने के लिए कितनी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भीषण गर्मी में प्रदेश को पानी की समस्या से बचाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई पहल की है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जल ही जीवन है और इसलिए जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक यानी कि 5 जून से 15 जून तक नमामि गंगे अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत नदी तालाबों की साफ सफाई कराई जाएगी। समूचा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है और इस प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या से जुड़ी खबरें भरी पड़ी रहती हैं। भीषण गर्मी में नदी और जलाशयों के सूखने से जहां एक तरफ पानी की समस्या से आम लोगों को दिक्कत होती है, तो वहीं पशु पक्षी भी बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं। इसलिए अब मध्य प्रदेश सूबे के मुखिया मोहन यादव ने 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाने की बात कही है। 10 दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे और जिला कलेक्टर भी तमाम गतिविधियों की देखरेख करेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशहरा 15 जून का है,
ऐसे में 10 जून लगातार 10 दिन का हमारे मध्य प्रदेश में हर जिले में पेयजल के स्रोत, पानी के वापरने के स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआ, बावड़ी इत्यादि को साफ स्वच्छ रखते हुए जरूरत पड़ेगी तो गहरीकरण समाज की जनभागीदारी से हमारी चेतना भी जगे और उससे साथ खड़े होकर के जल स्रोत की तरफ भी हमारा संबंध आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये अभियान जनभागीदारी से पूरा किया जाना है। ऐसे में उन्होंने इसके लिए सामाजिक संस्थान, शासकीय संस्थान, अशासकीय संस्थान और जन अभियान परिषद से जुड़े संगठनों से ये आह्वान किया है कि वो भी आगे आए और जल स्रोतों के पुनर्जीवन में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं जो हमारी पेयजल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जल ही जीवन है केवल कोई वाक्य नहीं है, बल्कि यह जल स्रोतों की हमारे जीवन में भूमिका से स्पष्ट होता है। हमारी यह पीढ़ी इन जल संरचनाओं की महत्ता से परिचित हो, हमारा संबंध जल संरचनाओं से अधिक प्रगाढ़ हो, यही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। और खास इस कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पूरे चलाए जाने वाले अभियान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाएंगे। प्रारंभिक रूप से यह अभियान 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा, बाद में इस अभियान की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही राज्य शासन द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत विभिन्न जल संरचनाओं के नवीनीकरण का कार्य भी सर्वोच्च प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राजनीति में सियासत के लिए राजनेताओं के पास कई विषय होते हैं और उनमें से एक है गौवंश और उनके संरक्षण का मुद्दा। देश में गौ संरक्षण को लेकर सियासत होती आई है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो एक बार फिर से गौ संरक्षण पर सियासत हो रही है और इसकी वजह है साय सरकार की आगामी गौ अभ्यारण्य योजना। पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने गौठान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की थी, जिस पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो गौ संरक्षण करने की तैयारी है और नई योजना शुरू करने की तैयारी है, जिस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। और प्यास से बेहाल इन बेजुबानों के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों की सुरक्षा को लेकर कारगर कदम उठाने जा रहे हैं। साय सरकार लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आएगी। इस संबंध में सीएम ने निर्देश भी जारी कर दिए। गौ सेवा में आगे आई साय सरकार, आवारा मवेशियों के लिए बनेंगे गौ अभ्यारण्य, मवेशियों को चारा मिलेगा साथ ही चिकित्सकीय सुविधा भी। पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व और वन विभाग करेंगे इसका संचालन। पशुधन के लिए उचित रहवासी वातावरण उपलब्ध होगा। लेकिन सरकार की इस पहल पर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने इस योजना को सरकार का निर्णायक कदम बताया है और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको बंद कर दिया गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गाय गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही। सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार को अब गौवंश संरक्षण की याद आई है। सुशील आनंद शुक्ला ने गौ संरक्षण के लिए गौधन न्याय योजना और गौठान योजना को दोबारा शुरू करने को कहा है। अंततः राज्य सरकार को अब गायों के संरक्षण की, गौवंश के संरक्षण की याद आ रही है। पहले तो गौठान को बंद कर दिया, गौधन योजना को बंद कर दिया। गौठान एक ऐसी योजना थी जहाँ ग्रामवासियों को जोड़ के गायों का, गौवंश का संरक्षण किया जाता था। गोधन न्याय योजना में हर आदमी अपने आप को उसमें समाहित करता था, सबको दो पैसे का फायदा होता था गोवंश। अब गोवंश अभ्यारण योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण बना लेंगे, अंततः आपको गोठान में आना ही पड़ेगा।
आपको बता दें कि आखिर इस मामले पर राजनीति क्यों हो रही है, आखिर क्यों कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने गौठान तैयार किए थे, गौठान योजना के तहत आवारा मवेशियों को रखा जाता था, गांव कस्बों के पास जमीन लेकर एक हिस्से को तैयार किया जाता था। विपक्ष में रही बीजेपी सरकार ने इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बताया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने ईडी की जांच की मांग उठाई। बीजेपी का आरोप है एक गाय पर 40 लाख का खर्च, तीन चरवाहे फिर भी खुले में घूमते हैं गौवंश। बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार की गौठान योजना को पूरी तरह से फ्लॉप बताया और अब सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की गौठान योजना के तर्ज पर अब नए सिरे से गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। लिहाजा विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस योजना से कितना लाभ प्रदेश के लोगों को और गौवंश को मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार। मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक दूसरे प्रदेशों के दौरे कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीटी शर्मा जैसे दिग्गज दूसरे प्रदेशों में प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही दूसरे प्रदेशों में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है जो दूसरे प्रदेशों में प्रचार की कमान संभाल सके। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एमपी बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी और झारखंड के दौरे पर हैं, या यूं कहें कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। चाहे बात हो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, या वीडी शर्मा की, ये तीनों दिग्गज नेता लगातार दूसरे प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो प्रचार की कमान सिर्फ और सिर्फ एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संभाल रखी है। जीतू पटवारी के अलावा एमपी कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता दूसरे प्रदेशों में प्रचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में नेताओं को भी केंद्र की कांग्रेस ने निठल्ला बना दिया है, निकम्मा बना दिया है, उनको कहीं भेजा ही नहीं गया। और जीतू पटवारी जी जो गए हैं, जो माताओं बहनों में रस और चाशनी ढूंढते थे, और वो भी वहाँ हिमाचल प्रदेश में गए, वहाँ पर जाकर के भी जो सुप्रिया श्रीनेत ने गंभीर टिप्पणी की थी, माताओं महिला बहनों का अस्मिता का मंडी में रेट लगाया था सुप्रिया श्रीनेत, तो उसी बात को वहाँ गए, वहाँ की जनता भी उनको गंभीरता से नहीं लेती। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भले ही कुछ राज्यों में चुनावी दौरे कर रहे हों, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि संगठन और पार्टी तय करती है कि कौन सा नेता कहां पर रैली करेगा और कहां पर प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन इन सब के पीछे की रणनीति को अगर समझें तो कोई भी नेता वहीं पर ज्यादा प्रचार करता है जहाँ पर या तो उसका प्रभाव होता है या फिर उस नेता का जातिगत फैक्टर काम करता है। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के कुछ राज्यों में दौरे को लेकर भले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता का यह कहना हो कि पार्टी और संगठन तय करता है कि कौन सा नेता कहां पर रैली करेगा और कहां पर प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन इसके पीछे की अगर रणनीति को समझें तो तमाम दिग्गज नेता वहीं पर दौरे करते हैं जहां पर या तो उस नेता का प्रभाव होता है या फिर वहां पर जातिगत फैक्टर उस नेता का काम करता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरेश तिवारी, विस्तार न्यूज। अबूझमाड़ के जंगल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कैसा है अबूझमाड़, कैसे हैं यहाँ के लोग और क्या रहा इतिहास, विस्तार न्यूज की खास पड़ताल में आपको ये सब बताएंगे। ये बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती है और इंद्रावती नदी के इस पार और उस पार दो अलग अलग तरह के संसार बसते हैं। लोकतंत्र के विकास का एक किनारा छोड़कर हम निकल चुके हैं बदनाम लाल तंत्र के सबसे सेफ जोन कहलाने वाले अबूझमाड़ इलाके में। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये तस्वीर इस इलाके की सदियों पुरानी तस्वीर है। अबूझमाड़ में कदम पड़ते ही सबसे पहले वो सड़क बहुत दूर छूट जाती है
जिसे विकास की बुनियाद कहा जाता है, और एक पगडंडी पर जीवन की यात्रा आपको एक ऐसी दुनिया का एहसास कराती है जिसके बारे में इतिहास की किताबें बताती हैं कि उसे प्राचीन काल कहा जाता है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण इस अबूझमाड़ को सबसे पहले मुगल काल में अकबर ने यहाँ भूमि का सर्वे कराने की कोशिश की, लेकिन अकबर नाकामयाब रहे। साल 1909 में ब्रिटिश हुकूमत ने भी ऐसा ही प्रयास किया, मगर उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रयासों को आंशिक कामयाबी जरूर मिली थी। संभावित 237 गांवों में से 10 गांवों का हवाई सर्वे किया जा सका। नारायणपुर को जिला बनाने वाले डॉक्टर रमन सिंह ने 5 गांवों के 169 परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पहुंची भी हैं तो वे दम तोड़ चुकी हैं। लोकतांत्रिक सरकार के सामने में इस समय लाल तंत्र के इस गढ़ में जिस विकास को करने की चुनौती है, वो चुनौती क्या है आप करीब से देखिएगा। यहाँ पर अबूझमाड़ के इस गांव के ग्रामीणों ने एक कुआं, बहुत छोटा सा कुआं बनाया हुआ है। ईंटों से इसकी जुड़ाई की गई है और काफ़ी लंबे समय से ये ग्रामीण यहाँ पर इसी कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। और साथ ही एक जानकारी और आपसे साझा करना चाहेंगे कि यहाँ इस तरह की तस्वीरें आप जब इस इलाके में जाएंगे तो इस पूरे बीहड़ में जहाँ तक आप जाएंगे इन जंगलों में आपको हैंडपंप नज़र नहीं आएंगे। अगर हैंडपंप आपको नज़र आ गए तो वो आपको चालू हालत में नहीं मिलेंगे। इसी तरह की तस्वीरें यहाँ की ज़िंदगी हैं। यहाँ के ग्रामीण इन्हीं तस्वीरों पर, इन्हीं कुओं पर, इन्हीं छोटे छोटे झीरियों पर निर्भर करते हैं। अबूझमाड़ का इलाका खुद शिक्षा से अबूझ है। 23 और 24 मई के दिन सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने इस जगह पर 8 माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। साथ ही जवानों का बनाया हुआ एक वीडियो भी वायरल हो गया था जिसमें सुरक्षा बल माओवादियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर रहे हैं। जब विस्तार न्यूज यहां पहुंचा तो देखा गया कि बहुत सारे ग्रामीण इस जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और एक युवक खुद को शिक्षक बताते हुए कह रहा है कि वो यहाँ बच्चों को पढ़ाया करता था। पूछने पर ये युवक हमें बता रहा है कि यहाँ स्कूल्स की मांग की जाती है लेकिन शिक्षक है कि यहाँ नजर ही नहीं आते। मतलब जुलाई महीने से लेकर ये मार्च महीने तक चलता है सर इसको। अच्छा जी, यहाँ पर मतलब बाहर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सर। बाहर का मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? सरकारी सब्जेक्ट सर। अच्छा, जो CBSE वगैरह के? जी हैं। NCERT के? जी सर। आप यहाँ पर पढ़ाते थे? यहाँ पर जी पढ़ाता सर। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं 10 क्लास तक पढ़ाई किया सर। और आप यहाँ पर शिक्षक बनकर जो है बच्चों को पढ़ाई जी? तो ये आश्रमशाला है या फिर स्कूल है? जी ये छात्रावास है सर, यहीं पर रहते हैं बच्चे। यहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं? जी यहीं पर रह के। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को सरकारी स्कूल नहीं चाहिए होता है क्या? जी चाहिए सर, पर लेकिन सरकारी स्कूल मंगवाने से भी नहीं आता है। है सर एक स्कूल, वो वहाँ भी टीचर में नहीं आते हैं, इसी कारण जनता द्वारा यहाँ पर स्कूल खुला गया है, पूमकाल स्कूल। अच्छा जी, तो मतलब आप लोग सरकार से मांग करते हो कि आपको स्कूल चाहिए लेकिन यहाँ पर स्कूल नहीं खोले जाते, आपका कहना ये है? जी मांग करते हैं सर सरकार से भी, मांग करने से भी लाते हैं पर लेकिन यहाँ टीचर नहीं आता है। अच्छा, यही दिक्कत पड़ता है इसलिए। 23 और 24 मई को ये पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। इन जंगलों के बीच बसा नारायणपुर का ये गांव रिकावाया है, जहां बाशिंदे डरकर चारों दिशाओं में भाग रहे थे। एक तरफ सुरक्षा बलों के जवान माओवादियों को उन्हीं के गढ़ में घुसकर खदेड़ रहे थे, उन्हें शिकारियों की तरह घेरकर मौत के घाट उतार रहे थे, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की जिंदगी हर बार की तरह एक बार फिर दो धारी तलवारों के बीच खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जंगलों में, नदियों में और पहाड़ों में ग्रामीण भाग रहे थे कि कहीं उनके भी सीने में गोली ना उतर जाए। ग्राउंड जीरो को जब हम खंगालने लगे, इस पहाड़ के चप्पे चप्पे को जब हम तलाशने लगे, तो जिस जगह पर हमें बुलेट के निशान नजर आए उसी के ठीक, जहां पर वो पत्थर आपको बड़े पत्थर नजर आ रहे थे उसके ठीक पीछे में ये तीन बॉक्स हमें नजर आए, और ये तीनों बॉक्स एमओ बॉक्स कहना चाहिए इन्हें, इनमें बुलेट रखने का काम किया जाता है। जब आप माओवादी हिंसा का इतिहास खंगालने जाते हैं तो आपको इस तरह की घटनाएं मिलेंगी जहां पर सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमला करके माओवादियों ने एम्युनिशंस बहुत बड़ी मात्रा में लूटा था, और उसी का एक नतीजा ये हो सकता है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों से लूट कर एम्युनिशन यहाँ पर छुपा रखा था होगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर है, यहाँ आपको
बैलेट यूनिट नजर आ रही है। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे चुनाव के दौर में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिएगा कि ये किसी मतदान दल की लूटी हुई एक मत पेटी का नज़ारा है जिसे माओवादियों ने शायद जलाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। अब ये पूरी तरह से यूजलेस है और यहाँ ये तस्वीर आप जब आप देख रहे हैं तो आप समझिएगा कि अबुझमाड़ माओवादियों के लिए इतना सेफ जोन किस लिए समझा जाता है। योगेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, ग्राउंड जीरो, अबूझमाड़।